गुड आफ्टरनून बच्चों, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग अच्छे होंगे। एक्चुअली शनिवार के दिन बेटा ग्रुप गड़बड़ हो गया था, मेरा हैंग कर गया था मोबाइल का, जिसके वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। अभी भी वो ग्रुप ठीक नहीं हुआ है मेरा ब्रॉडकास्ट का, और दूसरे नंबर से मैन के नंबर से हम लोग फिलहाल क्रिएट कर दिए हैं, जिससे संडे के दिन आपका टेस्ट किया था। ठीक है, जैसे ही ठीक हो जाएगा वो भी चालू हो जाएगा। फिलहाल आप जिस नंबर से जाएगा उसी पे आपका आंसर जमा करना है। याद रखेंगे कभी भी जिस ग्रुप से आपके पास जिस व्हाट्सएप से प्रश्न जाए उसी पे आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, ये टेक्निकली गड़बड़ी है। ओके, चलते हैं आज के क्वेश्चन पे। वन नंबर क्वेश्चन, सत्येंद्र ग्राउंड विद 450 फ्रॉम राजू, आफ्टर टू ईयर ही क्लियर द अकाउंट बाय पेइंग रुपीज 549 टू राजू, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। कहने का मतलब सत्येंद्र 450 रुपए उधार लिया राजू से, और दो साल के बाद 549 रुपया दिया वो राजू को, क्लियर कर रही है। तो बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। पी दिया हुआ है 450 टाइम टू ईयर, अमाउंट दिया है 5.549। तो एसआई का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, 549 में 450 को घटाएंगे 99 रुपी एसआई होगी। आर हमें निकालना है, तो आर बराबर एसआई इंटरेस्ट ओवर डब लिक्विडिटी। पी हमें एसआई पता है 99 मल्टीप्लाई 100, 450 पी दिया हुआ है मल्टीप्लाई टू, जब काटेंगे ये सारा कट जाएगा और बच जाएगा 11%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, एट व्हाट परसेंट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट ₹650 विल अमाउंट टू 741 इन 3 ईयर एंड 6 मंथ। रेट पूछ रहा है, व्हाट परसेंट। पी दिया हुआ है 650, अमाउंट दिया है 741, 3 साल 6 महीने में हो जाता है। तो देखिए 3 साल 6 महीने, जब महीना हो तो उसको फ्रैक्शन में कैसे बदला जाता है। 3 साल 3 वीक्स, मंथ 6 हो या जितना भी मंथ हो, मंथ ऊपर जाएगा और हमेशा नीचे 12 होगा। क्यों? क्योंकि 1 साल में 12 ही महीना होता है, जितना महीना दिया जाएगा ऊपर और नीचे हमेशा 12। अब इसको काटेंगे तो 1/2 में कट जाएगा, 3 वीक्स 1/2 हो जाएगा, फ्रैक्शन में करेंगे तो आ जाएगा 7/2 ईयर। ओके, एसआई बराबर ए माइनस बी, 741 माइनस 650 बराबर ₹91। रेट निकालेंगे एसआई के सबट अपनी गुने की फार्मूला आप लोगों को याद है, 91 एसआई हमने निकाल दिया है मल्टीप्लाई 100, 650 प्रिंसिपल दिया हुआ है और टाइम हमने फ्रैक्शन में कर दिया 7/2। तो ये 2 कहां जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब इसको काटेंगे बिल्कुल पूरा तरह से कट जाएगा और राइट आंसर आएगा 4%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। अब सेम प्राउड टू बी 754 ए पीरियड ऑफ 6 ईयर एट द रेट ऑफ 4% पर एनम आफ्टर फिक्स्ड टाइम ही क्लियर ऑफ हिज डेट बाय पेइंग ₹300 इन कैश एंड ए रेडियो से, फाइंड द प्राइस ऑफ द रेडियो से। अभी सीख ने 750 रुपया उधार लिया 6 साल के लिए 4%, लेकिन जब पैसा वापस करने गया तो वो 300 रुपया नगद दिया, बाकी के बदले एक रेडियो सेट अपने पास था दे दिया और अपने हिसाब को क्लियर कर दिया। तो बताइए वो रेडियो सेट का कॉस्ट क्या है, यही क्वेश्चन है। हमने पी लिख दिया, टाइम भी लिख दिया 6 ईयर और आर 4%, एसआई निकालेंगे पी गुने आर गुने टी बटा 100, 750 गुने 4 × 6/100 काटेंगे तो आएगा ₹180। अब जब एसआई हमें पता चल गया तो हम अमाउंट में इसको कन्वर्ट करेंगे, पी जोड़ एसआई 750 जोड़ 180, ये अमाउंट हो गया 930। उसे 930 रुपया देना था तो कॉस्ट ऑफ रेडियो 930 में 300 रुपया ही वो नगद दिया, तो 300 को घटा लेंगे तो बाकी बचा 630 रुपया, यही रेडियो का प्राइस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। कलाम राउंड रुपीज 500 फ्रॉम ए बैंक, इफ द बैंक चार्ज इंटरेस्ट एट 6% पर ईयर, हाउ मच अमाउंट से कलाम पे आफ्टर 2 ईयर। कहने का मतलब कि कलाम ने 500 रुपया एक बैंक से उधार लिया और बैंक ने बोला कि मैं 6% पर ईयर
सिंपल इंटरेस्ट आपसे लूंगा, तो बताइए 2 साल के बाद कलाम कितना पैसा वापस बैंक को करेगा। पी हमारा 500 है, आर हमारा 6%, टाइम 2 ईयर है। हम क्या करेंगे, एसआई निकालेंगे, पी गुने आर गुने डी बटा 100, यानी 500 गुने 6 गुने 2 बटा 100, और जब इसको काटेंगे तो आएगा 60 रुपी। तो अमाउंट का सिस्टम है पी जोड़ एसआई, तो 500 में 60 को जोड़ देंगे, राइट आंसर, वो बैंक को वापस करेगा 560 रुपया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे आज का। कहता है ए सम ऑफ मनी अमाउंट रुपीज 910 एंड 5% पर ईयर इन 6 ईयर, फाइंड द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल निकालने के भी बहुत सारे फार्मूले हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं एक्स वाला। एक और है प्रिंसिपल वैल्यू अमाउंट गुने 100 बटा, है ना, लेकिन हमें ज्यादा अच्छा एक्स लगता है। और एक्स को जब आप निकालने जान जाएंगे तो एक्स का मतलब होता है जस्ट लाइक ए जादू। आप जादू सीख जाएंगे और किसी भी क्वेश्चन में एक्स को डाल करके आप आंसर को निकाल सकते हैं, राइट। तो एक्स का मतलब है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। यह कॉन्सेप्ट बताता है, फार्मूला नहीं, कॉन्सेप्ट। तो हमारा काम है कॉन्सेप्ट को जानना। देखिए ये दिया हुआ है 910 रुपीज और आर 5% और टाइम 6, और कहता है प्रिंसिपल बताओ। हमने मान लिया, लेट लिया प्रिंसिपल एक्स रुपीज, तो एसआई क्या होता है, डी आर गुने डी बटा 100, यानी एक्स ने 5 गुने 6 बाई 100, क्योंकि 5 6 से आ गया है। जब काटेंगे तो हमारा एसआई आ गया 3x/10। अब हम अमाउंट में कन्वर्ट करेंगे। अमाउंट का फॉर्मूला होता है पी प्लस एसआई। अमाउंट के नीचे अमाउंट डाल दिया और एक्स पी है और एसआई 3x/10। जब जोड़ेंगे तो ये 10x+3x यानी 13x/10 आ जाएगा। तो ये 13x/10 बराबर है 910 रुपए का। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 13x 10 × 910, जब मल्टीप्लाई में है तो 13 डिवाइड में जाएगा, काटेंगे 70 बार में कट जाएगा 910, मल्टीप्लाई करेंगे, राइट आंसर 700। हमारा प्रिंसिपल निकल गया और वो निकल गया 700। ओके,